की क्रिश 4 बन रही है और यकीन मानो मैं इसका काफी वेट कर रहा हूँ। क्रिश 3 10 साल पहले रिलीज हुई थी और यही अकेली सुपर हीरो सीरीज है इंडिया में जो बॉक्स ऑफिस पर इतने बड़े लेवल पे हिट है। अभी इसकी कुछ ऑफिशियल न्यूज आई है, उससे पहले बीच बीच में कुछ इसके अनऑफिशियल अपडेट्स आए थे जो सच है या नहीं वो तो नहीं पता, पर वो बहुत कमाल के थे और फिल्म के लिए बहुत एक्साइट करते हैं। जैसे कि इसमें टाइम ट्रेवल होने वाला है और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी होने वाला है। अभी ये सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है और क्रिश जैसी फिल्म को एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जैसा तुमको पता होगा कि टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को अगर मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उससे काफी ज्यादा स्टोरीज एक साथ दिखाई जा सकती और काफी ज्यादा नई स्टोरीज बनाई जा सकती है। और एक अपडेट और था कि इसमें विलन जो है वो खुद ऋतिक रोशन ही प्ले करने वाले, यानी कि शायद क्रिश ही विलन हो। ये भी मल्टीवर्स से ही कनेक्टेड है, अल्टरनेट क्रिश जैसे कि हमने फ्लैश मूवी में देखा है, रिवर्स फ्लैश ऐसा कुछ। वैसे क्रिश 3 के एंड में हमें हिंट मिला था कि ऋतिक रोशन का जो करेक्टर है उसका एक बेटा है, उसके पास ऑलरेडी सुपर पावर्स है, बट इसके आगे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला था। और एक और अपडेट ये भी कि इसमें जादू का रिटर्न होगा, कोई मिल गया से वाला जादू, और साथ ही शायद उसका प्लेनेट इस बार अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। बहुत से इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रूमर्स थे, पर अभी ऑफिशियल ये है कि इसकी स्क्रिप्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और इसकी शूटिंग नेक्स्ट ईयर शुरू होगी। और जैसा मैंने बताया कि इसने अभी तक इंडिया की किसी भी फिल्म के बड़े लेवल पर बनाने की कोशिश की जा रही है और ऋतिक के आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स यानी कि वॉर 2 फाइटर और क्रिश 4 सभी का बजट मिला के 1000 करोड़ के ऊपर है। सारी बातों से तो यही लग रहा है कि ऋतिक रोशन बॉक्स ऑफिस पर कहर डालने वाले हैं। क्रिश 4 को डायरेक्ट करेंगे करण मल्होत्रा, वैसे ये कन्फर्म तो नहीं है बट तुम लगा के चलो कि हाँ यही है। और उनकी मूवीज है जैसे शमशेरा, अग्निपथ और ब्रदर्स। वैसे मुझे पता है कि इसमें अभी हमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है और इतना एक्साइट होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी इसका डायरेक्टर साइन हुआ तो लगा कि चलो 2024 में शूटिंग शुरू होगी और 2026 तक ये रिलीज होगी, शायद उससे भी ज्यादा डिले हो। बट अक्सर ऐसा होता है कि हम मूवी के रिलीज के टाइम पे भी इतना एक्साइट नहीं होते जितना उससे पहले एक्साइट रहते हैं, तो यही एक एक्साइटमेंट मुझे हो रही है अभी इसके बारे में। और अभी काफी टाइम इसको प्री डेवलपमेंट स्टेज में दिया गया है और ज्यादातर ऐसा होता है कि फिल्म के प्री डेवलपमेंट स्टेज में जितना टाइम इन्वेस्ट किया जाता है मोस्टली फिल्म उतनी ही अच्छी रहती है। तुम बाहुबली फ्रेंचाइज को देख सकते हो, ये इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि बाहुबली को बनने में 5 साल लगे और एवेटार 2 द वे ऑफ वाटर को बनने में भी 13 साल लगे थे, तो और उस हिसाब से इसमें काफी टाइम इन्वेस्ट किया जा रहा है। हो सकता है कि फिल्म बहुत ही अच्छी हो और एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड करे इंडियन सुपर हीरो मूवीज की और हॉलीवुड के लेवल तक पहुंच जाए। जैसे RRR को वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिली है, ऐसे शायद यही मूवी हो जो कि वो अचीव कर पाए वर्ल्ड पॉपुलैरिटी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मुझे उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी, तुम वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल जरूर सा पक्का सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।